गाइस, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, ये बड़ी ही ज़बरदस्त कहानी है। अगर इस कहानी को आपने मुकम्मल सुन लिया ना, तो सच कह रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है अगर आपने इस कहानी को मुकम्मल सुना। गाइस, एक जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल के अंदर बहुत सारे जानवर और बहुत सारे परिंदे थे। उन्हीं परिंदों के बीच में एक नन्ही सी चिड़िया एक पेड़ पर रहा करती थी। बड़ी छोटी सी वो चिड़िया थी। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि उस जंगल के अंदर भीषण आग लग गई। बहुत बड़ी आग जंगल में लग गई और उससे सब दर बदर हो गए और भगदड़ मच गए और सारे के सारे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन नन्ही सी चिड़िया उस पेड़ के ऊपर बैठी थी। अब हुआ ये कि देखते ही देखते जिस पेड़ के ऊपर उस नन्ही सी चिड़िया का घोंसला था, उस पेड़ को भी आग लग गई। लेकिन वो नन्ही चिड़िया डरी नहीं। जिस तरीके से और परिंदे, जिस तरीके से और जानवर डर डर के भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, इस तरीके से वो नन्ही सी चिड़िया डरी नहीं, बल्कि वो समंदर के किनारे गई और अपनी चोंच के अंदर, छोटी सी चोंच के अंदर, चूंकि चिड़िया भी नन्ही सी थी, अब उसकी चोंच भी नन्ही सी होगी, तो उसने अपनी छोटी सी नन्ही सी चोंच के अंदर थोड़ा सा पानी भरा और उस आग पर डालने लगी। अब ये देख कर सब लोग हंसने लगे, सारे जो जानवर वहाँ पर थे, परिंदे वहाँ पर थे, कि चिड़िया जा रही है नन्ही सी चोंच के अंदर पानी भर के ला रही है और बड़ी भीषण आग के ऊपर डाल रही है। उसके पानी डालने से क्या होगा, वो तो इतनी सी थी, उसकी चोंच उतनी उससे भी छोटी, और उसके अंदर जो पानी था वो तो एक बूंद अगर समा रहा होगा तो उस इतने से पानी से उस भीषण आग का क्या बिगड़ना था, कुछ भी नहीं होना था। सारे जानवर, सारे परिंदे हंसने लगे उस चिड़ियाओं को देखकर। किसी ने बुलाया उसको और कहने लगा कि ये क्या पागलपन कर रही हो, अपनी जान बचाओ, यहाँ से भागो, तुम्हारे पानी डालने से कुछ भी नहीं होगा। चिड़िया ने जवाब में कहा कि तुम्हें जाना है तो चले जाओ, ये जंगल मेरा घर है और इसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। भले कुछ ना हो, मैं अपनी जान भी गंवा दूं, लेकिन कम से कम अपने घर की रक्षा करते हुए तो मरूंगी। जो हम नहीं सोचते आज कि भाई मेरे मुझसे क्या होगा, अगर किसी इंसान को पड़ा हुआ देख ले तो चलते बनते हैं, हम उसको हाल भी नहीं पूछते, इंसानियत के वहां से जनाजा लेकर के अपने कंधों पर निकल जाते हैं और पूछो तो कहते अरे भाई बहुत सारे लोग वहां पर खड़े थे, मेरे अकेले से क्या होगा, ये सवाल करते। तो उस चिड़िया ने जवाब में कहा कि भले ही मैं मर जाऊं लेकिन अपने घर की हिफाजत करते हुए मरूंगी। सारे जानवरों ने शर्म से गर्दन नीचे कर ली। अभी तक वो एक चिड़िया आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उस चिड़िया के पीछे सारे जानवर खड़े हो गए और सब ने मिल करके उस आग को बुझाने की कोशिश की। और फिर खुलासा ये हुआ कि उस जंगल की आग बुझ गई, उस जंगल की आग बुझ गई। तो अगर हम आगे बढ़े किसी काम को करने के लिए तो हमारे पीछे भी भीड़ लग जाती है। अगर हम ये सोचे कि भाई मैं क्यों कर रहा हूं, वो कर लेगा ना, मुझसे क्या हो जाएगा, गलत सोच है ये। आप आगे बढ़ो, आपको देखकर 10 और खड़े होंगे, उनके पीछे 10 और खड़े होंगे। तो किसी भी काम को करने की इब्तिदा तो रख दो, फिर इंतहा आप खुद देखोगे कि कितनी बड़ी इंतहा होगी। इब्तिदा में आप अकेले होंगे लेकिन इंतहा में आपके साथ पूरी दुनिया खड़ी होगी।